हेलो गाइस, मिस्टर मैकेनिक में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं मेरे पास निंजा 300 आई है, जिसका साइलेंसर का इशू है और ब्रेक का इशू है और स्टार्टिंग थोड़ा प्रॉब्लम है। जैसे इसका ब्रेक कैलिपर ये अंदर पूरा घुस जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा अंदर चला जाता है। इसके वजह से इसका फ्रंट और बैक दोनों ब्रेक नहीं लग रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा नीचे एकदम तेज हो जाता है, जिसका इसके अंदर एक एमसी किट रहता है, उसका प्रॉब्लम है। तो अभी मैं इसका ब्रेक का भी करूँगा। और दूसरा, ये पीछे का ब्रेक तो कुछ भी नहीं है, तो ये पीछे का ब्रेक पूरा इसका कैलिबर जो भी है देखते हैं खोल के, इसके अंदर एमसी किट रहता है, वो रिपेयर अगर होएगा तो रिपेयर करेंगे। और दूसरा इसका प्रॉब्लम है साइलेंसर का, उसमें आवाज़ आता है। तो अभी मैं इसको खोल रहा हूँ और अभी इसको खोला है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये साइलेंसर पूरा सड़ गया हुआ है, इसमें आवाज आ रही, इसकी जाली पूरी सड़ गई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो इसकी ढोलकी रहती है वो ढोलकी पूरी सड़ गई है। और अभी मैं इसको निकाल कर अच्छे से प्रॉपर कटिंग करके, वेल्ड करके और अंदर से एकदम पूरा क्लीन करके फिटिंग करूँगा, जिससे ये आवाज़ जो आ रही है वो आवाज़ पूरा बंद हो जाएगा। तो पहले मुझे एग्जॉस्ट का करना है भाई इसको। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये अभी मेरा भाई जो निकाल रहा है, ये देखो ये पार्ट पूरा सड़ गया हुआ है ढोलकी का। तो अभी मैं उसको साइलेंसर को कटिंग करके अंदर जो भी जाली है वो, ये देखो अब टुकड़ा टुकड़ा निकल रहा है, वो सब पूरा क्लीन करके मैं कंप्लीट फिटिंग कराऊंगा और फिर ये गाड़ी को फिटिंग करूंगा। ढोलकी लेने जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, इससे अच्छा कि मैं इसको रिपेयर कर दूंगा और रिपेयर करके मिल जाएगा। वैसे भी आप देखे रहेंगे मेरे वीडियो में, इसके पहले भी ये गाड़ी आ चुकी है 2-3 बार, जिसे फोक ऑयल सील का प्रॉब्लम था और भी छोटा मोटा प्रॉब्लम रहता ही है गाड़ी के अंदर। देख सकते हैं आप, ये जाली पूरा ढोलकी सड़ गई है, जिसके कारण इसके अंदर की जो जाली है ढोलकी वो पूरा डक 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 आवाज़ करती है खड्डे में जाती है। तो और अभी ये यहाँ से निकालना है, इसके अंदर पैकिंग रहती है, वो पैकिंग की वजह से ये जो कलर वाइट दिख रहा है इसके कारण वो ऐसा लग रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर रहता है। और ये स्टार्टिंग का मॉडल था 2011 या 13 का, उसमें ही ऐसा आता है। तो ये मुंबई में बारिश के कारण ये सब सड़ जाता है। तो अभी मैं इसे कंप्लीट वेल्ड करवा कर और जाली पूरी क्लीन करके फिर कंप्लीट फिटिंग करूँगा। मैं आपको अपडेट करते रहूँगा ऐसी छोटी छोटी वीडियो के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और आपको किसी भी गाड़ी के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे आफ्ताब भाई गैस बिल्डर, जो अपना निंजा कावासाकी निंजा 300 का साइलेंसर ढोलकी फट गई थी, जो उन्होंने पूरा खोल के अच्छे से रिपेयर किया है। और इनका मैं नंबर कैप्चर लिंक में डाल दूंगा, किसी को भी ऐसी कोई भी गाड़ी का वेल्डिंग करवाना रहेगा तो ये आफ्ताब भाई से कॉन्टेक्ट करें। गाइस, जैसे आप देख सकते हो फाइनल स्टेज पर अभी वेल्डिंग का काम चालू है और ये फाइनली हो चुका है।